हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम टू राइट गाइडेंस एंड एम्बिशन। माय नेम इज़ अंजलि। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश फोर्थ सेमेस्टर का। इससे पहले मैंने जितने भी चैप्टर्स और पोएम्स आपके साथ डिस्कस किए हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की आप प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हो आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। आई होप ये वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है इन वीडियो से रिलेटेड आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूंगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो चैप्टर डिस्कस करने वाली हूँ उसका नाम है फ्रीडम ऑफ द प्रेस। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट ओकेजन डज द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कोमेमोरेट? व्हाट हैव यू लर्न अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ विंडहॉक फ्रॉम द आर्टिकल? इट कोमेमोरेट्स द डिक्लेरेशन ऑफ विंडहॉक व्हिच इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स कॉलिंग फॉर अ फ्री इंडिपेंडेंट एंड प्लुरलिस्टिक मीडिया। सो कोमेमोरेट का मतलब होता है किसी चीज में, किसी की याद में कुछ चीज सेलिब्रेट करना, किसी दिन को सेलिब्रेट करना। यहाँ पे जो विंडहॉक लिखा है ये जगह का नाम है जहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये डिक्लेयर किया गया था कि जो मीडिया है वो फ्री होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो उस पर जो है अपना आर्टिकल पब्लिश कर सके, अपनी बात जो है वो लोगों तक पहुँचा सके। इट्स ऑब्जर्व ऑन 3rd May एवरी ईयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है 3rd May को मनाया जाता है। इट सर्व एज एन ओकेजन टू इन्फॉर्म द पब्लिक ऑफ वायलेशन ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये जो है इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके कि यहाँ पर जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये बहुत ज़रूरी है और कोई इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है, कोई आपका ये राइट आपसे नहीं छीन सकता है। इट ऑल्सो रिमाइंड्स दैट मैनी जर्नलिस्ट ब्रेव डेथ और जेल टू ब्रिंग पीपल देयर डेली न्यूज़। तो बहुत सारे जो ब्रेव जर्नलिस्ट हैं उन्हें पकड़कर जेल में डाला गया था, डेथ सेंटेंस डिक्लेयर किया गया था जब उन्होंने जो अपनी न्यूज़ है वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की थी। द डिक्लेरेशन ऑफ विंडहॉक वॉज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ड्रॉन अप बाय द अफ्रीकन जर्नलिस्ट। तो यहाँ पर ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जितनी भी कंट्रीज थी वहाँ पर जो लोगों की ह्यूमन राइट्स हैं वो छीनने की कोशिश की गई थी और वहाँ पर ही ये डिक्लेरेशन जो है हुआ था। इन दिस डिक्लेरेशन द अफ्रीकन जर्नलिस्ट had called for a free, independent and pluralistic media in the continent and throughout the world. तो इस declaration में यही बात की गई थी, जितने भी African journalists थे उन्होंने बोला था media free होना चाहिए, independent होना चाहिए ताकि वो अपनी बात जो है लोगों तक पहुँचा सकें। This declaration was adopted in 1991 at the seminar organized by the United Nations and UNESCO in Windhoek, Namibia. तो यहाँ पर जो ये declaration था ये 1991 में adopt किया गया था, इस seminar को organize करवाया था United Nations organization ने जो कि एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके अलावा यूनेस्को ने इसको विंडहॉक में ऑर्गेनाइज किया गया था और वहां पर अफ्रीकन जर्नलिस्ट ने ये बात कही थी। इट अफर्म्स दैट अ फ्री प्रेस इज एसेंशियल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड अ फंडामेंटल ह्यूमन गोल। तो उन्होंने ये बात कही थी कि अगर हम चाहते हैं कि जो राजतंत्र है लोगों का राज बना रहे एक कंट्री में, लोगों को एक्सप्लॉयट ना किया जाए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो मीडिया है वो फ्री होना चाहिए और लोगों के जो गोल्स हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, वो तभी पूरे हो पाएंगे एक कंट्री के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, डेमोक्रेसी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड? Identify the metaphors the writer uses to express the close relationship between a freedom press and freedom enjoyed by the country's citizen. The freedom of the press is very important for the success of democracy. Democratic government के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा मीडिया है, जो हमारा प्रेस है, वो फ्री होना चाहिए। Without it, there can be no true democracy. जब तक एक कंट्री के अंदर मीडिया फ्री नहीं होगा तब तक एक ट्रू डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं हो सकती है। एंड ऑन द अदर हैंड डेमोक्रेसी इज असेंशियल फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, एक कंट्री तभी डेवलप कर सकती है जब एक कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों के लिए, गवर्नमेंट काम करती है लोगों के वेलफेयर के लिए, गवर्नमेंट कभी भी लोगों को एक्सप्लॉयट नहीं करती है, गवर्नमेंट मैक्सिमम फ्रीडम देने की कोशिश करती है लोगों को। A free and vigilant press makes a government accountable and it's working transparent. अगर मीडिया फ्री होगा, अगर मीडिया इंडिपेंडेंट होगा, भी वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाएगा, मतलब आंसरेबल बनाएगा, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी और लॉ बनाएगी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है लोगों तक कौन पहुंचाएगा? मीडिया। तो यानी कि मीडिया ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और मीडिया ही अगर फ्री नहीं होगा तो वहाँ पर गवर्नमेंट करप्ट हो जाएगी। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर मीडिया फ्री होगी तो वो गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाएगी, मतलब वहाँ पर कुछ भी लोगों से छुपाया नहीं जाएगा, जो भी रिपोर्ट होगी, जो भी सर्वे होगी वो लोगों तक पहुँचाई जाएगी, जो भी टैक्स कलेक्ट किए जा रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुँचाई कि टैक्स का पैसा कहां पर जो गवर्नमेंट है वो यूज कर रही है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन रिस्ट्रेनिंग करप्शन एंड इनजस्टिस। तो इस तरीके से
से करप्शन को रोकने के लिए और लोगों के साथ स्टिस ना हो तो जो पुअर लोग हैं उनकी बात भी जो है गवर्नमेंट तक वो पहुंचाएंगे, जो कोर्ट्स हैं वहां तक पहुंचाएंगे। इन दिस वे इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी। तो इस तरीके से मीडिया जो है हेल्प कर सकता है सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। दस वी सी दैट द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, डेमोक्रेसी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी वेरी क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए कह रहे हैं जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है कि मीडिया जो है वो फ्री होना चाहिए, डेमोक्रेसी और एक सोसाइटी की कितनी सोशली और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो रही है, ये तीनों चीज़ें आपस में रिलेटेड है। वन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द अदर। तो इन तीनों में से अगर कोई एक अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो उसका इम्पैक्ट दूसरे पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू मीडिया एम्पावर पीपल। हाउ डज अलाउइंग पीपल एसेस टू इन्फॉर्मेशन मेक गवर्नमेंट्स कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल एंड देयर एक्शंस ईजी टू अंडरस्टैंड। द स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू मीडिया एम्पावर्स पीपल बाय मेकिंग देम इकोनॉमिकली मोर स्टेबल, पॉलिटिकली मोर अवेयर, सोशली मोर प्रोग्रेसिव। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मीडिया के थ्रू मिल रही है उससे लोग जो है एम्पावर हो रहे हैं, मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज होती है, इकोनॉमिकली हम स्टेबल हो जाते हैं, हमें अच्छे से पता है कि जो टैक्सेस यूज़ किए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा वो कहाँ पर यूज़ कर रही है गवर्नमेंट, कितना पैसा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है, जो टैक्सेस जो गवर्नमेंट न्यू इंट्रोड्यूस कर रही है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मीडिया से मिलती है। पॉलिटिकली हम कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी जो है वो हमारी कंट्री के लिए सही है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। सोशली हमारा जो लाइफ स्टैंडर्ड है, जो हमारा नेशनल इनकम है, हमारी जीडीपी है वो कितना ग्रो कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें अगेन मीडिया से मिल रही है। तो यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें एम्पावर करती है। द स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑल्सो मेक पीपल अवेयर ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। और इसके अलावा हमें सरकार की सारी पॉलिसीज़, प्रोग्राम, सेमिनार, वर्कशॉप जो भी वो स्टार्ट कर रहे हैं हमारे बेनिफिट के लिए उस चीज़ के बारे में पता लगता है। द गवर्नमेंट कैन नॉट बी फूल पीपल बाय इट्स रॉन्ग पॉलिसीज़। तो सरकार हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकती अपनी गलत पॉलिसीज़ निकाल कर। पीपल आर अलाउड एसेस टू इन्फॉर्मेशन, द गवर्नमेंट इट्सेल्फ बिकम कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल। तो लोगों के पास जब इन्फॉर्मेशन होगी, उन्हें हर एक चीज़ के बारे में पता लगेगा, तो यहाँ पर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी, यानी कोई भी गलत पॉलिसी नहीं बनाएगी, लोगों के कंसेंट के अकॉर्डिंग जो है वो काम करेगी। इट इज सो बिकॉज द गवर्नमेंट हैज टू रिमेन अकाउंटेबल टू द पीपल, अदरवाइज इट विल बी रिप्लेस्ड बाय सम अदर गवर्नमेंट। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों के साथ चलकर सरकार को क्यों काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो उनके विशेष के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, लोगों के लिए वेलफेयर एक्टिविटीज नहीं निकालेंगे, तो गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया जाएगा, किसी और पोलिटिकल पार्टी को लोग जो है चुनकर जो है सरकार में ले आएंगे। द गवर्नमेंट हैज़ टू इम्प्लीमेंट इट्स पॉलिसीज इन सच अ वे दैट दीज पॉलिसीज कैन प्रूव बेनिफिशियल टू द पीपल। तो सरकार को इस तरीके से अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, लागू करवानी पड़ेगी, ताकि लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट उस चीज़ का पहुंच सके। एंड इट कैन बी पॉसिबल ओनली इफ द गवर्नमेंट गिव्स अ ट्रू एंड क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस टू द पीपल। तो ये तभी पॉसिबल है अगर सरकार जो है क्लियरली अपना जो भी एक्शन है, जो भी पॉलिसी उन्होंने बनाई है वो लोगों तक पहुंचाएंगे, तब जाकर सरकार जो है प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे। अगर वो लोगों से छुपाएंगे और लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट नहीं दे पाएंगे तो लोग उन्हें रिप्लेस कर देंगे। तो इसीलिए जो भी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही है वो उनको एम्पावर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोरम इन 2003 एंड व्हाट वाज द प्लेटफॉर्म दैट इट यूज्ड टू डू दिस। व्हाट डिड द ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ द ग्लोबल समिट इन जिनेवा एंड ट्यूनिस एम्फेसिस। द वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोरम इन 2003 स्टेस्ड ऑन द नीड ऑफ प्रेस फ्रीडम। तो वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोरम में एक मीटिंग हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 2003 के अंदर, जिसके अंदर ये बोला गया कि मीडिया फ्री होना चाहिए, इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा अब ज़रूरत है। इट आल्सो ब्रॉट टुगेदर मीडिया एग्जीक्यूटिव्स एंड प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल एज पॉलिसी मेकर्स टू डिस्कस द रोल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो पूरी दुनिया से जितनी भी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ से जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो मीडिया हाउस पर्सन्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन सबको बुलाया गया था ताकि इस चीज़ पर डिस्कशन हो सके कि जो मीडिया है उसको फ्री रखना है, इंडिपेंडेंट रखना है, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुँच सके, लोगों को अवेयर किया जा सके। कोई भी सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उन्हें जो है उनके राइट्स जो है वो मिलने चाहिए। दिस फोरम वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन इन जिनेवा। तो ये जो फोरम है किसने ऑर्गेनाइज की थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। द ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल समिट इन जिनेवा एंड ट्यूनिस एम्फसिस द कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस एज वेल एज द एग्जिस्टेंस इन अकॉर्डेंस विद द लीगल सिस्टम ऑफ ईच कंट्री ऑफ इंडिपेंडेंट प्लुरलिस्टिक एंड फ्री मास एंड अदर कम्युनिकेशन मीडिया। सो इसमें एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, उस ड्राफ्ट में क्या बोला गया था कि जो भी सरकार है
उसके अंदर लोगों के पास राइट्स होने चाहिए, लोग अपनी सरकार को चुने और चुनने के बाद सरकार जो है लोगों के लिए काम करे। तो यहाँ पर मीडिया जो है वो फ्री रहनी चाहिए, जो भी कंट्री में काम हो रहा है वो लीगल तरीके से होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, मीडिया इंडिपेंडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द राइटर रिलेट ट्रेडिशनल मीडिया टू मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ दिस इज डन इन द प्रेजेंट। The writer says that the modern digital technology offers great possibilities for enhancing traditional media and combining them with new media. तो राइटर ये कहते हैं कि यहाँ पर जो मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी है आज के टाइम में, बहुत ही ज़्यादा जो ट्रेडिशनल मीडिया उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, उनके काम करने के तरीके को डिजिटलाइज किया जा रहा है ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन ईजिली पहुँच सके। ट्रेडिशनल मीडिया लाइक द रेडियो टेलीविजन यूज टू बी ओनली फॉर्म ऑफ एसेस टू द इन्फॉर्मेशन सोसाइटी फॉर मच ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। तो पहले के टाइम में जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो रेडियो और टेलीविजन था लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए, तो उस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है कि उसको किस तरीके से मॉडर्नाइज किया जा सके। बट नाउ द मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़ मेड द ट्रेडिशनल मीडिया फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। आज के टाइम में डिजिटल टेक्नोलॉजी ने ट्रेडिशनल मीडिया को बहुत ही फास्ट और एफिशिएंट कर दिया है, जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द डिजिटल रेवोल्यूशन इज द मास प्रोडक्शन एंड वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, डिजिटल सेलुलर फोन्स एंड फैक्स मशीन। डिजिटली जो रेवोल्यूशन आई है, यानी कि जो डिजिटल मॉडर्नाइजेशन हुई है, उससे मास प्रोडक्शन होता है। मतलब अगर आप इन्फॉर्मेशन अब पुट करते हो तो वो काफ़ी लोगों तक पहुंच पाती है बहुत जल्दी। तो यानी कि ये क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया जब कंप्यूटर्स आ गए, सेलुलर फोन्स आ गए, फैक्स मशीन्स आ गई, तो इनके थ्रू जो है मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना जो है पॉसिबल हो चुका है। इक्वली इंपॉर्टेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज इंक्लूड कंप्यूटर नेटवर्किंग, इंटरनेट एंड डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग। इतने ही इंपॉर्टेंट आपके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जो इन्फॉर्मेशन को और फास्ट करने में मदद करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग है, इंटरनेट है, इनके थ्रू जो है हम मोबाइल्स और कंप्यूटर्स के थ्रू जो है काफ़ी एरियाज कवर कर अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वहां तक पहुंचा सकते हैं। द 3G फोन्स हैव आल्सो प्लेड अ वेरी लार्ज रोल इन द डिजिटल रेवोल्यूशन एज दे साइमल्टेनियसली प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन एक्टिविटी टू द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। अभी यहाँ पे 3G मेंशन है, बट अभी तो 5G भी आ चुका है, जिसके थ्रू क्या है कि आप अपना एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हो। कम्युनिकेशन, किसी भी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में कोई पर्सन बैठा अपनी इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर कर सकते हो, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से जो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, इसके थ्रू जो ओल्ड ट्रेडिशन था, जो ओल्ड तरीका था मीडिया की बात कहने का, अब वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड और डिजिटलाइज्ड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समराइज इन योर ओन वर्ड्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस एज डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल। तो इस चैप्टर में जो आर्टिकल लिखा गया है फ्रीडम ऑफ प्रेस में, उसकी इम्पॉर्टेंस लिखनी है। द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी एंड फॉर द फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। एक प्रेस यानी मीडिया का फ्री होना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सक्सेसफुल हो सके और सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। A free press is one of the most essential component of a democratic society. Democratic society का सबसे important feature freedom of press ही है। Information and freedom go together. तो information और freedom, यानी कि जो भी information हमें मिल रही है वो तभी मिल पा रही है क्योंकि media जो है वो free है, वो अपनी बात सामने रख रहे हैं। तो information और freedom जो है दोनों साथ के साथ चलते हैं। The freedom of information makes the government accountable and its working become transparent. हमारे तक information पहुंच रही है तो इससे क्या होगा, government हमेशा alert रहेगी, वो कोई भी गलत पॉलिसी नहीं लेके आएंगे, करप्शन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट अगर कुछ गलत करेगी तो लोग उन्हें रिप्लेस कर देंगे। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट होती है वो आंसरेबल होती है लोगों के लिए, और गवर्नमेंट जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करेगी, कुछ भी लोगों से नहीं छुपाएगी। एनी अटेम्प्ट टू रिस्ट्रेन द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन रिटार्ड द पेस ऑफ डेवलपमेंट। अगर किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेशन को रोका जाएगा, लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचाई जाएगी, तो कंट्री की डेवलपमेंट रुक जाएगी, कंट्री डेवलप नहीं हो पाएगी। All new hallmark of development have been made possible only through the free flow of information. एक कंट्री तभी डेवलप कर सकती है अगर वहाँ के लोग जो है अवेयर है, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी सोसाइटी का। द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो फ्रीडम ऑफ प्रेस और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर अभी लोग अनअवेयर है, बहुत सारे लोग इलिटरेट हैं, तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन पहुँचना और भी ज़रूरी है। इन ऑर्डर टू ओपन अप टू द आउटसाइड वर्ल्ड दे मस्ट लिबरलाइज द मास मीडिया। तो अगर हम चाहते हैं हम पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट करें, हम उनके साथ ट्रेड करें, तो इसके लिए हमारे लोगों का लिबरेट होना, फ्रीडम उनको मिलना, उनका एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी हो सकता है अगर हमारी कंट्री के अंदर जो मीडिया है वो फ्री होगा। एक्चुअल एक्सपीरियंसेस सिंस इंडिपेंडेंस, स्पेशली इन द लास्ट डिकेड
also suggests that a free and vigilant press is vital to restrain corruption and injustice. हमारी कंट्री के खुद के ये experiences रहे हैं कि जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो यहाँ पर कितना ज़्यादा करप्शन था, लोगों के साथ ना इंसाफ़ी होती थी, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता था. बट इंडिपेंडेंस के बाद हमने जो है मीडिया को फ्री रखा है, इंडिपेंडेंट रखा है, और मीडिया जो है अपनी बात खुलकर सामने रखते हैं, तो उससे किसी के साथ भी कोई इनजस्टिस नहीं हो सकता है, करप्शन जो है उसको रोका जा सकता है. तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है जो हमने अपनी कंट्री से खुद सीखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आर क्लोजली कनेक्टेड, एलुसिडेट दिस. वी कांट थिंक ऑफ अ फ्रीडम विदाउट डेमोक्रेसी, जस्ट एज वी कांट थिंक ऑफ डेमोक्रेसी विदाउट फ्रीडम. तो हम फ्रीडम की बात ही नहीं कर सकते अगर वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना होगा. डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट होगी तो वो तो फ्रीडम की बात करेंगे नहीं, वो तो ह्यूमन राइट्स जो है वो भी छीन लेंगे लोगों के. और वैसे ही हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर तब तक उसको सक्सेसफुल नहीं मानेंगे उस सरकार को अगर वो लोगों को फ्रीडम नहीं दे रही. तो ये दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से. वी कैन इवन से दैट द फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आर सिनोनिमस, यानी एक टर्म जो है दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है. अगर फ्रीडम होगी वहाँ पे आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दिखेगी, और जहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वहाँ पे आपको फ्रीडम अपने आप दिखेगी. फ्रीडम इज ओनली फाउंडेशन ऑन विच द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी रेस्ड. तो फ्रीडम एक ऐसा फाउंडेशन है जिसके बिना आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चला ही नहीं सकते, वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है. अ ट्रू डेमोक्रेसी एम्स एट द फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल. एक डेमोक्रेसी की सरकार का मेन मकसद ही ये होता है कि एक इंडिविजुअल का, एक इंसान का ओवरऑल डेवलपमेंट करवाना है. ऑल हैव इक्वल राइट्स एंड इक्वल फ्रीडम, तो सबके पास इक्वल अधिकार होने चाहिए, इक्वल फ्रीडम होनी चाहिए. इसी चीज़ की बात की जाती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर. इट इज़ द फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, हर किसी को अपने जो विचार है सोचने की आज़ादी है, अपनी बात रखने की आज़ादी है. इट इज़ द फ्रीडम ऑफ डूइंग व्हाट वन लाइक्स, तो जिसको जो अच्छा लगता है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना काम कर सकता है, अपना डिसीजन ले सकता है. बट दिस फ्रीडम हैज़ नेवर बी एट द कॉस्ट ऑफ एनी वन एल्स फ्रीडम. बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास आज़ादी है तो हम दूसरों की आज़ादी छीन लेंगे. एग्जाम्पल, हम लोग म्यूज़िक सुन सकते हैं बट शुड नॉट बी टू मच लाउड कि इससे दूसरे लोग जो है डिस्टर्ब हों. यानी कि हमें अपनी फ्रीडम को इन्जॉय करना है बट एक सर्टन लिमिट में रहते हुए. द इंडिविजुअल इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द सोसाइटी इन विच ही लिव्स, तो इंडिविजुअल जो है सोसाइटी से अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है. हम सोसाइटी की अगर बात करते हैं तो सोसाइटी में हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स की ही बात कर रहे हैं. एंड वी हैव द फ्री सोसाइटी ओनली इन द डेमोक्रेसी, और सोसाइटी वहीं फ्री हो सकती है, लोग वहीं फ्री हो सकते हैं जहां पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो. इन कॉन्क्लूजन, वी हैव टू से दैट डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम आर क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट. तो कॉन्क्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि फ्रीडम और डेमोक्रेसी दोनों बहुत ही क्लोज रिलेटेड टर्म्स हैं. जहाँ फ्रीडम होगी वहाँ डेमोक्रेसी दिखेगी, और जहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी वहाँ आपको फ्रीडम जरूर दिखेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, वट डू यू मीन बाय डिजिटल रेवोल्यूशन, वट आर इट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स. द डिजिटल रेवोल्यूशन इज समटाइम्स कॉल्ड द थर्ड रेवोल्यूशन, द फर्स्ट टू बींग द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन एंड द सेकेंड इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. डिजिटल रेवोल्यूशन को ज़्यादातर थर्ड रेवोल्यूशन कह कहते हैं, कि इससे पहले दो रेवोल्यूशन आ चुकी हैं. सबसे पहले एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आई थी, और सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी. उसके बाद तीसरी डिजिटल रेवोल्यूशन आई, जिसके अंदर हम कंप्यूटर, सेलफोन, इंटरनेट, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, इन सब की बात करते हैं. रेफर्स टू द चेंज फ्रॉम एनालॉग टेक्नोलॉजी टू द डिजिटल टेक्नोलॉजी दैट स्टार्टेड इन अबाउट 1980 एंड कंटिन्यू टू दिस डे. तो इसमें हम बात करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई है प्रिंट मीडिया से स्टार्ट हुई, मैगजीन्स, बुक्स, जनरल, ये सारी चीज़ों से स्टार्ट हुई, और आज ये सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है. इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी हम तक पहुंच रही है, विद इन अ वन क्लिक हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई 1980 में और आज तक कंटिन्यू, आज तक सारी चीज़ें डिजिटलाइज और मॉडर्नाइज्ड हो ही जा रही हैं. रेवोल्यूशन मार्क द बिगिनिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन एज, और इस रेवोल्यूशन के आने से इन्फॉर्मेशन एज जो है वो स्टार्ट हो गई. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रेवोल्यूशन इज मास प्रोडक्शन एंड वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कंप्यूटर, डिजिटल सेलुलर फोन्स एंड फैक्स मशीन. तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इस रेवोल्यूशन का यही है कि मास प्रोडक्शन, यानी कि बहुत जल्दी हम इंफॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा जो यूज करना लोगों ने स्टार्ट किया वो कंप्यूटर्स का, सेलफोन्स का, मैक, फैक्स मशीन का. रियली इंपॉर्टेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग कंप्यूटर नेटवर्किंग, इंटरनेट, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग. और उतना ही इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी इन चीजों को यूज करके, जैसे कंप्यूटर्स आए या सेलफोन्स आए, अब उनमें से इंफॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इंटरनेट, ब्रॉडकास्टिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है. होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी. और जितने भी मैंने आपको चैप्टर्स और पोएम्स करवाए हैं वो ईजी करवाए हैं कि इनकेस अगर आप भूल भी जाओ तो आप खुद बनाकर वहाँ पे लाइंस लिख सकते हो. होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो और सिलेबस, प्लीज कमेंट बिलो. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम. ऑल द बेस्ट अचीवर्स. Have a nice day.